चलिए तो अब हम बात करते हैं पंजाब सामान्य ज्ञान के बारे में। पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप्स में स्थिति देख लेते हैं पंजाब की कि आखिर है कहाँ पंजाब भारत में। ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें पंजाब आपको दिख रहा होगा, ये है आपका पंजाब। पंजाब इसकी सीमा हरियाणा से भी लगती है आपकी, राजस्थान से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है और जम्मू कश्मीर से भी सीमा लगती है। या तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें बात करनी है। पंजाब राज्य का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किलोमीटर। कितना? 50,362 वर्ग किलोमीटर। इस राज्य की जनसंख्या की अगर बात करें तो इसकी जनसंख्या है 2,77,43,338। इसमें से आपके पुरुष हैं 1,40,39,465, महिलाएं हैं आपकी 1,31,03,873। साक्षरता की बात करें अगर पढ़े लिखे लोगों की तो यहाँ 75.8% पढ़े लिखे व्यक्ति निवास करते हैं। इनमें से पुरुष हैं आपके 80.4%, महिलाएं हैं 70.7%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितने? 551। लिंग अनुपात की बात करें तो 895 है। लिंग अनुपात कितना है? 895। दस की वृद्धि की बात करें यानी कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की वृद्धि हुई 13.9% की। अगर जिलों की बात करें तो यहाँ 22 जिले आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 22 वाइस। इस राज्य की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। इस प्रदेश की प्रमुख भाषा है पंजाबी। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। राजकीय पशु काला हिरण है। राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष शीशम है। पंजाब अपनी स्थापना दिवस प्रत्येक 1 नवंबर को मनाता है। किसको? 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश भी आपका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। इस प्रदेश के पश्चिम में आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, पूर्व में आपका हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में आपका हरियाणा राज्य देखने को मिलेगा। इस राज्य के प्रथम राज्यपाल आपके सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी थे और प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ भार्गव। प्रथम राज्यपाल सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी और प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ भार्गव। पंजाब, पंजाब शब्द फारसी के दो शब्दों पंज पंज और आप से बना है। पंज का अर्थ होता है पांच और आप का अर्थ होता है पानी से, अर्थात पांच नदियों जिसमें आपकी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज नदी का क्षेत्र है। आपने सुना होगा पंजाब को पांच नदियों का राज्य कहते हैं, जिनमें आपकी सिंधु हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। समुद्री मार्गों से यूरोपियों के आगमन से पूर्व सभी आक्रमणकारी पंजाब होकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते थे, इसलिए इस प्रदेश को जातियों का संगम स्थल कहा जाता है। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर महान ने पंजाब पर आक्रमण किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में, BC में। पंजाब का पहला मुस्लिम पंजाब पर पहला मुस्लिम आक्रमण आपके गजनी के समय हुआ था। गजनी के सुल्तान महमूद, इनका समय रहा है 971 से 1030 के बीच। सिखों के 10वें गुरु थे, 10 गुरु हुए थे, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। याद रख सकते हैं ना, क्योंकि अभी इंटरव्यू में कभी भी पूछ सकता है आपसे। फिर आपका फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल अथवा सिख राज्य की नींव रखी थी। 18वीं शताब्दी में यानी कि 18वीं सदी में महाराजा राजा रणजीत सिंह ने सिख शक्ति का पुनः उदय हुआ था। रणजीत सिंह के समय लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मिला लिया था। 1937 में भारत को
पंजाब को भारत का पृथक प्रांत बनाया गया। और पंजाब का प्रिय नृत्य है भांगड़ा, जो वीरता का प्रतीक माना जाता है। गिद्दा स्त्रियों का नाच है, किसका? स्त्रियों का, जो फसल कटने के अवसर पर गाया किया जाता है। यहाँ के विशेष त्यौहार आपके वैसाखी और लोहिनी है। वैसाखी 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल त्यौहार है, और लोहिनी शीतलकाल के अंत का प्रतीक होता है। ठीक है। गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित सुखमनी साहब, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित जप साहब मध्ययुग की कुछ उल्लेखनीय रचनाएं। अर्जुन देव की कौन सी है? सुखमनी साहब, और गुरु गोविंद सिंह की जप साहिब। प्रेम प्रधान महाकाव्यों में हीर राँझा, शशि पुन्नू, सोहिनी महिवाल विशेष उल्लेखनीय रखते हैं। आधुनिक लेखकों में भाई वीर सिंह, पूरन सिंह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, प्रेमजीत कौर, नानक सिंह, डॉक्टर गोपाल सिंह सेखों, करताल दुग्गल, बलवंत गार्गी आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। पर्यटन स्थलों में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का। प्रसिद्ध बैसाखी पर्व के लिए दमदमा साहिब, भटिंडा का प्राचीन किला, बाघों का शहर पटियाला आदि उल्लेखनीय, यानी कि यहाँ घूमने लायक ये जगह हो गई आपकी। चंडीगढ़, चंडीगढ़ शहर की योजना फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने तैयार की थी। जो चंडीगढ़ है, इसकी शहर की योजना किसने बनाई थी? वास्तुकार ली कार्बुजियर ने, ये फ्रांसीसी थे, पंजाब के निवासी आर्य जाति के थे। किसके? आर्य जाति के। उत्तर प्रदेश के गंगा के किनारे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने वाले स्वामी सिद्धानंद इसी प्रदेश के रहने वाले थे आपके। स्वाधीनता संग्राम के समय बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल को ही आपकी अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखा होगा आपने 2019 में इसकी वर्षगांठ भी मनाई गई थी। सौवी, उत्तर वैदिक युग में गंधर्व, कैकेय और पंचाल भी इसी प्रदेश के नाम थे आपके। अनेक वैदिक महर्षियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, ज्वाली, गौतम, पतंजलि, फणिनि जैसे मनीषी इसी प्रदेश में पैदा हुए थे आपके। तक्षशिला का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय, जो अब पाकिस्तान में पढ़ता है, इसी प्रदेश में पढ़ता था पहले तक्षशिला। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर प्रदेश के अमृतसर शहर में है, जिसकी सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1579 में नींव डाली थी, जिसे गुरु अर्जुन देव ने पूर्ण कराया था। इसकी नींव किसने रखी थी? गुरु ए रामदास ने 1579 में, और इसे पूरा किसने करवाया? अर्जुन देव ने। ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने 1803 में मंदिर में सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को प्रतिष्ठित किया था। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि विकसित करवाई पंजाबी भाषा की। पंजाबी भाषा गुरुमुखी और फारसी लिपि में दोनों में लिखी जाती है, गुरुमुखी में भी लिखी जाती है, फारसी में भी। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 18 अप्रैल 1899 में। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध पवित्र। खालसा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध और पवित्र। सिखों के द्वारा धारण की जाने वाली 5 ककार, जिसमें आपका केस कंघा, कच्छ कृपाण, लोहे का कड़ा, क्रमशः सादगी का, ये मतलब प्रतीक किसके हैं? सादगी, स्वच्छता, वैराग्य, ईश्वर भक्त, अन्याय के खिलाफ जुझारू संघर्ष का प्रतीक। याद रखिए, आप देख सकते हैं कि आपके राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी इन्हीं की रही है, पंजाबियों की, और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा सामाजिक कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है, पंजाबियों के द्वारा। ठीक है। भटिंडा में करीब 2000 वर्ष पुराना किला है, जिसे राजा देव का बनाया बताया जाता है। राजा देव ने
अमृतसर स्तर में प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर, जिसकी आधारशिला महान स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय ने रखी थी। पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, जहाँ देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कहाँ है? पटियाला में। स्वर्ण मंदिर 1589 में बनना शुरू हुआ और ये 1601 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर की नींव में पहली ईंट शहर के मुसलमान फकीर ने रखी थी। किसने? फकीर ने। भाखड़ा बांध की ऊंचाई आपकी 740 मीटर है, जो कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है। किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, कुतुब मीनार। इस बांध में बनी झील में सतलज का 7.4 मीटर एकड़ पानी रहता है। ये आपके सिख के गुरु हैं, देख लीजिए। सिख के गुरु, नाम हो गया, जन्म हो गया, संस्कार हो गया, मृत्यु। गुरु नानक पहले थे। इनका जन्म होता है 15/4/1469 में, मृत्यु होती है 20/9/1539 में। गुरु अंगद फिर होते हैं, इनका जन्म होता है 31/3/1504, और इनका संस्कार कब होता है? 14/6/1539, और मृत्यु होती है इनकी 29/3, यानी कि 29 मार्च 1552। गुरु अमरदास 5/5/1479 को इनका जन्म होता है, संस्कार आपका 29/3/1552 में होता है, और मृत्यु होती है 1/9/1574। गुरु रामदास, इनका जन्म 24/9/1534, संस्कार 1/9/1574, मृत्यु 1/9/1581। गुरु अर्जुन देव, इनका जन्म होता है 15/4, यानी कि 15 अप्रैल 1563, संस्कार 1/9/1581, मृत्यु 30/5/1606। गुरु हरगोविंद, इनका जन्म होता है 14/6/1595 और संस्कार होता है 25/5/1606, मृत्यु होती है 3/3/1644। गुरु हर राय 26/2/1630, इनका संस्कार होता है 8/3/1644, मृत्यु होती है 6/10/1661 में। गुरु हर्ष किशन, इनका जन्म होता है 7/7/1656, संस्कार होता है 7/10/1661, मृत्यु हो जाती है 30/3/64 में। गुरु तेग बहादुर सिंह, इनका आपका जन्म होता है 1/4/1621, और संस्कार इन्हें दिया जाता है 20/3/1653-1665, और मृत्यु हो जाती है 11 नवंबर 1675। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म होता है 22 दिसंबर 1666 को, और इन्हें संस्कार दिया जाता है 11 नवंबर 1675, और मृत्यु हो जाती है इनकी 7 अक्टूबर 1708 में। तो ये कहानी थी आपके पंजाब की। किसकी? पंजाब राज्य की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि किसी भी राज्य का सामान्य ज्ञान यानी कि छोटा नहीं है। आप सोचिए कि आपके एमपी को 17 घंटे 18 घंटे में कंप्लीट किया गया है, तब जाके कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग, अगर जैसे आप लोग बिहार के नहीं हैं या पंजाब के नहीं हैं और पंजाब का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इसे पढ़कर जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि किसी भी राज्य के बारे में आपके लिए पूरी तरह से पढ़ पाना मुमकिन नहीं होता है। जैसे अगर 2-4 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आप लोग 2-3 क्वेश्चन सही कर लें, इतना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और अगर एमपी का आप दे रहे हो, तो एमपी का तो आपको डिटेल से ही पढ़ना है, क्योंकि पता है, बता चुका हूँ कि 100 क्वेश्चन में से उसमें से आपके 50 से 55 क्वेश्चन एमपी स्पेशल से ही पूछ लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कितना बड़ा महत्व है एमपी स्पेशल का उसमें। चलिए।